है जाले जो लगे रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाती है उसको हटाना टाइम टू टाइम जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सा हो जाता है बिल्कुल टाइम से करना होता है वरना सर्विसिंग वाले जब भी आते हैं तो इस चीज़ के लिए मुझे बोल के ही जाते हैं बट आज मैंने किया है तो इस चीज़ का मुझे खुशी हो रहा है कि चलो लगे हाँ तो ये भी काम मैंने कर लिया है हालांकि मैं हर बार नहीं करती हूँ इसका जो काम है इसका जो रिस्पॉन्सबिलिटी है मेरे हस्बैंड जी को जाते हैं वही करते हैं उन्हीं की ड्यूटी होती है बट क्या कर सकते हैं अभी खुद वो ड्यूटी में है तो इस ड्यूटी को तो मेरा ही करना जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो मैंने आज किया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी कह देती हूँ कि मैंने जो है आ, ऐसी साफ कर लिया है तो यही है कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम महिलाए तो कर लेते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो जेंट्स लोग ही करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी किताब जाना चाहिए भाई तो मेरे तो काफ़ी हेल्प हो जाते हैं जब वो घर रहते हैं तो नहीं रहते हैं तो फिर ऐसे ही जैसे तैसे करके खुद से ही करना होता है बट कोई बात नहीं मैं घर के कामों को करके बिल्कुल से खुश होती हूँ और मैं घर के काम के लिए कोई मेड वगैरह नहीं रखी हूँ मैं खुद से ही करती हूँ मुझे मेड रखना जैसे कि लगता है कि मैं के ऊपर डिपेंड हो जाऊँगी तो शायद मेरा टाइम इधर उधर हो जाए मैं खुद से करूँगी तो मेरा टाइम जो है बच जाएगा और मुझे किसी का इंतज़ार जैसे करना एक पसंद नहीं होता है मैं टाइम से खुद से कर लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है हालांकि जब तक चलती है खुद से ही करना चाहिए जब नहीं चलेगी जब देखा जाएगा बट अभी खुद से ही करती हूँ तो मॉर्निंग का क्लिनिंग काम तो खत्म हो चुका अब हो गई टेंशन खाना बनाने की तो खाना तो आज सैटरडे है तो मैं खिचड़ी बना लूँगी खिचड़ी चोखा बना लूँगी तो बच्चे आराम से खा लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों को मेरा जो है खिचड़ी खाना बहुत पसंद आता है और कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद आता है बट नॉर्मल वे में बना लूँगी जल्दी से ग्यारह बज चुके हैं बच्चे आ जाएंगे डेढ़ बजते बजते तो चलिए मैं थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ अपने रूम का ये वाला जो मैंने चादर लगाया है तो बस एक दिन के लिए है क्योंकि स्थापना के दिन मैं ये चादर फिर से चेंज करने वाली हूँ इस वजह से मैंने सोचा चलो इसी को लगा देती हूँ हालाँकि ये बहुत पुराना चादर है मेरा और ये रहा सोफ़ा जो बिल्कुल बेकार लग रहा होगा देखने में बट कोई बात नहीं क्लीन होने के लिए मैंने उठाया है और जिस दिन घर साफ करती हूँ मन अच्छा तो होता है बट काम का तो कहना नहीं भाई दिन भर का समय जाता है फ्रेंड्स मैं आपको एक अपना जो है पुराना पिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये देख सकते हैं मेरी ये फोटो को मत देखिएगा इसमें जो मेरे हेयर्स हैं कितने लंबे लंबे मेरे हेयर्स थे मैं उसे संभलते नहीं थे इतने ज़्यादा मेरे बाल थे मैं क्या बताऊँ और ये जो पिक है आ, मेरे दोनों बच्चे हो गए थे उसके बाद का और ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ ये मुझे एनिवर्सरी में फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड जी मुझे गिफ्ट किए थे और ये जो पिक है सेपरेट रखने का वजह है इसमें जो मेरे हेयर्स दिख रहे हैं इस बात की मुझे खुशी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करती हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था अपने हेयर्स को देख के मैं बिल्कुल से उस वाले टाइम में खो गई थी ये जो पिक मैंने देखा तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैंने सोचा चलो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक लाइक दे दीजिएगा जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग